नाउ इन टुडे लेक्चर विल स्टार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन हो गया हमारा, मेन जो है हमारा अब इसमें एल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में हम SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1CB, ये एल्डोल कंडेंसेशन में आता है। वो लास्ट चैप्टर में जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तब आएगा ये वाला। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हम इतने मैकेनिज्म को कवर करेंगे और ये मैकेनिज्म आपको 12th में भी है, NCERT के फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा और महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में भी फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है NEET JEE के लिए। तो ये हम इतना मैकेनिज्म को कवर करेंगे इस रिएक्शन में, यानी इस मैकेनिज्म को पढ़ो या रिएक्शन को पढ़ो बात एक ही है। केमिकल रिएक्शन बोलो या इस मैकेनिज्म के थ्रू हम रिएक्शन करवाएं बात एक ही है। जो रिएक्शन करवाएंगे किसी के थ्रू करवाएंगे, कोई एक मैकेनिज्म फॉलो होगा, हमें मैकेनिज्म पर ध्यान देना है। तो हम सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं SN1। SN1 का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, पहले नाम N का लिया जाता है फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 क्या है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा हुआ है सब हम जानेंगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब। अब हमारे को एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं, एक हमारे को एल्काइल हैलाइड दिया गया है, दिस वन इज एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे लिए क्या है, सब्सट्रेट है यानी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट सब्सट्रेट होगा और एक पार्ट अटैक करने वाला होगा यानी रिएजेंट हो जाएगा। तो दिस वन इज सब्सट्रेट और दिस वन इज रिएजेंट। तो ये हमारा दोनों रिएक्टेंट का पार्ट है, तो एक सब्सट्रेट बोला जाएगा और एक रिएजेंट बोला जाएगा। सॉल्वेंट के तौर पे यहां पर पोलर प्रोटिक लिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, पोलर प्रोटिक एक होता है पोलर अप्रोटिक। तो सिंपल सा बात है, हालांकि इसके बारे में हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। पोलर का मतलब तो जिस पर चार्ज डेवलप हो और जो H+ डोनेट करे उसको हम बोलते हैं प्रोटिक। H+ मतलब प्रोटॉन, उसको हम बोलेंगे प्रोटिक। अब यही क्यों लिया गया है हम आगे बात करेंगे। जब ये इस पर रिएक्शन होगा तो ये जिधर Cl है उधर ही OH अटैक होगा, तो हम इसको रिटेंशन का नाम देंगे। जिधर ये Cl है उसके अपोजिट साइड अटैक होगा तो हम इसको इन्वर्जन का नाम देंगे। इसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम अभी सिंपल मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो ये हमारा एक रिएक्शन बना, अब इस रिएक्शन में हम मैकेनिज्म को जानेंगे, मैकेनिज्म कैसे बनना है। तो पहले हमें प्रोडक्ट भी लिखना जानना है। अगर तुम इस बात को डिसीजन ले लिए हो कि हमें SN1 मैकेनिज्म करवाना है तो प्रोडक्ट एक लाइन में जानना है। अगर प्रोडक्ट लिखना है तो कभी कभी रिएक्शन में हमेशा मैकेनिज्म काम नहीं आएगा, कभी कभी प्रोडक्ट लिखना है। तो प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे लिखोगे, जब तुम इस बात का डिसीजन ले लिए हो कि SN1 है तो कैसे अटैक करवाओगे, एक बार सामने से अटैक करवाना और एक बार बैक साइड से अटैक। जब बैक साइड से अटैक करवाओगे तो ये कहां चला जाएगा, ये वाला कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, और क्या देगा, रिटेंशन और इन्वर्जन। तो इनका मीनिंग क्या है हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। चलो अभी दो चार क्वेश्चन हम इसी के बेसिस पे कर लेते हैं तब हम मैकेनिज्म सीखेंगे। तो लाओ मेरे को दो MHN न्यू वाला देखो। अगर तुम लोगों के पास न्यू एडिशन MHN है तो ओपन करना, मैं बता रहा हूं। कौन से क्वेश्चन आपको बनाना है, चलो अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूं, 50 मत देखो। चलो मैं खुद से दे रहा हूं दो तीन क्वेश्चन, उसको करो अभी, उस पर नहीं जाना। एक और एग्जांपल हम करते हैं। मान लो हमें ऐसे लिखा गया है, यहां Cl है ठीक है और यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां H है, यहां H है और यहां CH3 है और यहां OH का अटैक करवाना है। सॉल्वेंट सब यही है, आप प्रोडक्ट लिखो, पहले प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। प्रोडक्ट लिखो जल्दी से, क्या होगा। अब हमें जान जाना है कि पहले ये SN1 ही करवा रहे हैं हम SN1 करवा रहे हैं। प्रोडक्ट लिखो जल्दी से, क्या बनेगा प्रोडक्ट,
लेकिन ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल सा बात है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये जहां OH है, जहां Cl है, वहीं लगा देंगे। और एक केस में क्या लगाएंगे? अब तुम बोलोगे सर दोनों लिखना पड़ेगा क्या? हाँ दोनों लिखना पड़ेगा। अगर एक लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, और कंपटीशन में भी देगा तो दोनों लिख के देगा। एक जिधर Cl है उधर लिखना है, और इसके एक अपोजिट साइड लिखना है, बाकी एज इट इज लिख देना है, बाकी का इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी एज इट इज लिखना है। दोनों लिखना होगा आपको, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों लिखना पड़ेगा। दिस वन इज रिटेंशन, सॉरी हाँ रिटेंशन, और दिस वन इज इन्वर्जन। अब ये क्या है क्या नहीं हम आगे जानेंगे। समझ में आ गया? तो यहीं पर मैं SN2 भी बता दे रहा हूं, प्रोडक्ट लिखना डायरेक्ट ताकि क्वेश्चन हम कर लें, तो अगर स्पेस होगा तो, और नहीं तो अलग से लिखना। अगर मान लो हमने दोनों में डिफरेंस, प्रोडक्ट का डिफरेंस देखना है, तो मान लो हमने रिएक्शन लिखा है से Cl, ठीक है, CH3 है, H है, कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, सब हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट में चेंजेस देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट में चेंजेस क्या आता है। तो अगर यहां पर मान लो OH का अटैक करवाना है तो इन्वर्जन लिखेंगे, और प्रोडक्ट में आप हमेशा OH को इस Cl के अपोजिट लिखना है, और इस H को इधर लिख देना है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन, यानी हम इसमें रिटेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे, इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट में चेंजेस यही है दोनों का, इसमें भी Cl को हटाना है, OH को लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया हमें। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि SN2 जा रहा है, तो Cl को हटाना है और OH को लगाना है, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो ही गया, लेकिन प्रोडक्ट में डिफरेंस आया, SN1 के प्रोडक्ट में और SN2 के प्रोडक्ट में डिफरेंस आया। इसके प्रोडक्ट में ये हमने OH लगाया, और इसके प्रोडक्ट में इन्वर्जन रिटेंशन बनाया, इसमें इन्वर्जन बनाया, तो ये प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है। अब कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं ना जो SN1 को ही जाएगा, कुछ ऐसे रिएक्शन होगा जो फिक्स है कि SN2 को जाएगा, वो हमें डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ रिएक्शन है कि दोनों तरह से जाता है, समझ में आया गया? तो वो चीजें मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि तुम प्रोडक्ट कैसे बना रहे हो। तो ओवरव्यू हमारा ये है। अब एक दो क्वेश्चन जब SN2 जब जान गए, तो एक दो क्वेश्चन अभी OMH चौहान जो है ओपन करके रखना, न्यू एडिशन वाले, ये जो न्यू एडिशन है उसमें से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला में से, इसमें कोरोना का फोटो है, तो इसमें से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन हम बना लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, 50 नंबर दिया है, इसमें 50 नंबर में CH3 Br Cl H CH3, और यहां लिखा है NaI और एसीटोन। मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूं, तब ना तुम समझोगे कि ये। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्योंकि जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछेगा। अब इस क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि SN2 करवाना है, यहां पर Na और I लिखा हुआ है, इसका मतलब Na प्लस होगा और I, तो हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, यानी ये हमारा रिएजेंट है। तो हमने पहले रिएजेंट को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, यही अटैक करने वाला है इस सबट्रेट के ऊपर। अब बात रहा एल्काइल हैलाइड ब्रोमीन है और क्लोरीन है, दोनों को नहीं हटाना है, एक ही को हटाना है, वन इक्विवेलेंट यूज किया, एक ही बार यूज करना है इसको, और SN2 को जाना है। तो बताओ ब्रोमीन को हटाएंगे या क्लोरीन को हटाएंगे? तो यहां देखा जाएगा लिविंग ग्रुप। तो जब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो इस चीज को ध्यान में देना कि लिविंग ग्रुप कहीं ना कहीं आने वाला होगा। तो कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? ब्रोमीन। तो अब हम यहां प्रोडक्ट लिखेंगे। अब मुझे बताओ, मैं बाकी चीजें लिख दे रहा हूं, अब मुझे बताओ यहां पर कि मैं ब्रोमीन को यहां पर आई को इधर लिखूं या हाइड्रोजन के साइड लिखूं?
तो यही हमारा एंसर होगा और हाइड्रोजन को इधर, यही तुम्हें ऑप्शन में चुनना होगा और इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 50 का, अगर तुम्हारे पास है तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर क्या होगा, हाँ चेन्नई, सी होगा, इसका आंसर ये होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 में 2 में गलत दे रखा है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, यानी कि हर चीज मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो है अपने जगह पे, लेकिन कुछ चीजें हमें डायरेक्ट सोचना है, तो ये इन्वर्जन हमें सोचना है, तो हमें एसएन टू में ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्वर्जन सोचना है। इन्वर्जन का मतलब होता है जहां ये लगा होगा उसके अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल को अटैच करवा देंगे। एसएन टू में पोलर प्रोटिक होता है, पोलर अप्रोटिक हो वो बाद में बात करेंगे, एसएन टू में पोलर अप्रोटिक होता है, क्यों ऐसा होता है सब बाद में बात करेंगे, जितने भी चीजें हर चीज का लॉजिक है, लेकिन वो चीजें मैं बता रहा हूं जिससे एक पहला राउंड में क्वेश्चन हमारा हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, 59 कुछ ऐसा दिया हुआ है, CH3 है, Cl है, D है, Br है, D है, H, और यहां लिखा हुआ है NaI और यहां लिखा हुआ एसीटोन, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब ध्यान देना, अब यहां पर इसने नहीं लिखा है कि SN1 को जाना है कि SN2 को जाना है, लेकिन हम धीरे धीरे जब आएंगे रिएक्शन को, तो जैसे ही कुछ हम SN1 और SN2 को पहचानने का मैं तरीका बताऊंगा, जब जब तुम्हें एसीटोन दे दिया जाए, DMF दे दिया जाए, DMSO दे दिया जाए, तो SN2 को जाता है, वो धीरे धीरे बताएंगे। तो ये एसीटोन ऐसा, ये पोलर अप्रोटिक है, तो वो धीरे धीरे हम बात करेंगे, अभी मैं बता दे रहा हूं कि SN2 को जाएंगे, यानी कुल मिला के जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो तुम्हें इस बात को भी ध्यान देना होगा कि इस रिएक्शन को हम SN2 को द्वारा लेके जाना है कि SN1 के द्वारा लेके जाना है, क्योंकि ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स है कि किसके द्वारा लेके जाए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट में चेंजेज आएगा, तो भाया किसके थ्रू हम लेके जाएं कि हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा। जब हम डिसाइड कर लेंगे कि SN2 के द्वारा लेके जाएंगे तो हमारा आंसर निकालना आसान हो जाएगा। अब यहां पर ये डिसाइड करना होगा कि क्लोरीन हटेगा कि ब्रोमीन हटेगा, तो हमने डिसाइड कर लिया कि ब्रोमीन हटेगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इस बात पर भी मैकेनिज्म में बात करेंगे कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और वहां पर सब कुछ सेम रह के और ब्रोमीन के जस्ट उल्टा क्या लगा देना है, आयोडीन लगा देना है, बाकी सब एज इट इज लिख दो, हमारा आंसर हो गया। आयोडीन यहां है, ये इन्वर्जन दे देगा, तो कुल मिला के हमारे सामने क्वेश्चन मार्क्स क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई व्हिच रिएक्शन विल गो अंडर गोज टू SN1 और SN2, और उसके बाद प्रोडक्ट क्या लिखना है, तो प्रोडक्ट लिखना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना, जब हम डिसाइड कर लेंगे इस बात को कि SN2 को जाना है तो इन्वर्जन लिखना पड़ेगा हमें, वही हमारा ऑप्शन में होगा। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा मैंने प्रोडक्ट बता दिया, अब हम मैकेनिज्म बताते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या क्या ध्यान रखना होगा, फिर हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन SN1 के द्वारा जाएगा, कौन SN2 के द्वारा जाएगा, कौन SNI के द्वारा जाएगा। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इसमें इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, इसमें रिटेंशन होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, इन्वर्जन उल्टा, और इसमें क्या होगा, रिटेंशन, ये कल मैं बताया था, शॉर्ट में बता दिए। अब हम SN1 का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, SN1 का हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, वही वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो स्टेप वन में हमारे के लिए ये रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड दे दिया गया और यहां Cl है और यहां OH का अटैक है। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, ये सबस्ट्रेट क्या है, पोलर है, नॉन पोलर कैसे होगा, ये क्लोरीन यहां से अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल निगेटिव और पार्शियल चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा, इसीलिए बोला जाता है एल्काइल हैलाइड क्या है, रिएक्टिव होता है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड मतलब जैसे हैलोजन आएगा वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और पोलर रिएक्टिव होते हैं, दिस वन इज पोलर, तभी तो ये माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर।
अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम रिएजेंट बोलेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इस स्पीसीज को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो ये दोनों है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन ये अटैक यहां सोचेगा क्योंकि माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये अटैक यहां सोचेगा, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, बरोबर है क्या? हालांकि ये दोनों है, यहां दोनों दिख रहा हमें, तो ये हम इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। अब ये कहां अटैक करने की सोचेगा, इस कार्बन पे, प्लस और माइनस का, तो कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, कौन अटैक कर रहा है, इसलिए नाम क्या इसका, न्यूक्लियोफिलिक। अब इसको हटा के खुद क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन। अब वन क्यों है आगे बात करेंगे, तो स्टेप वन में ये इसको अप्रोच करेगा, ये इसके पास जाएगा, जाएगा तो ये अपना जो क्लोरीन है अपना बॉन्ड तोड़ देगा, ये केवल अप्रोच कर रहा है, अटैक नहीं किया है, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं कि अटैक करने लग गया है, अटैक करने की कोशिश बार बार जा रहा है उसके पास, प्लस के पास। ये सॉल्वेंट के अंदर जो कंटेनर है, उस कंटेनर में ये इसके पास जाने की कोशिश कर रहा होगा, इसको ये इंड्यूस करवा रहा है कि तुम अपना बॉन्ड तोड़ के निकलो यहां से, हम जुड़ने वाले हैं, तो ये इसके बॉन्ड तोड़ के निकलने की कोशिश करेगा, और जैसे ही निकलने की कोशिश करेगा तो यहां पर ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा और Cl- बन के बाहर निकल जाएगा, Cl- दूसरे H+ के साथ बना लेगा, उसका कहां गया, उसका कोई बाई प्रोडक्ट है, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, इन इंटरमीडिएट SN1 में, इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनता है। पूरे SN1 का कंसंट्रेटेड पॉइंट यही है, स्टेप टू में कुछ भी नहीं सीखना है, SN1 में बस याद रखना कि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, हर क्वेश्चन का आंसर देगा तुम्हें, SN1 का हर क्वेश्चन का आंसर यही दे देगा। अभी हम सॉल्वेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सब बाद में लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। स्टेप टू में जाएंगे, स्टेप टू में ये जो स्टेप वन है जो यहां इंटरमीडिएट में बना है, इस इंटरमीडिएट में बनने के वजह से अब क्या करेगा, ये OH जब इसको इनिशिएट कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, अब अटैक कर देगा वो, क्योंकि वो पहले अप्रोचिंग कर रहा था, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, अटैक नहीं किया था। अब ये और ये आसानी से जुड़ जाएंगे और यहां पर हमें OH मिल जाएगा और यहां पर CH3 होगा, ठीक है। अब बात ऐसी है कि सर यहां भी हम ऐसे लगाएंगे, कैसे, तो यहां हम OH ऐसे लगा सकते हैं, CH3, जिधर Cl था उधर भी हमने लगा दिया और जिधर Cl है उधर उल्टा भी लगा दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, sp2 है, और sp2 बोले तो प्लेनर, प्लेनर बोले तो बिल्कुल बोर्ड के लाइन में। अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे है, ये मान लेते हैं ऐसे, ये ऐसे है प्लेन में, बिल्कुल ऐसे प्लेन में, तो जब इस न्यूक्लियोफाइल को आना होगा तो कहां से आएगा, ऊपर से, बैक साइड से भी आ सकता है, तो एक बार ऊपर से आया, एक बार हम दोनों चीजें देखेंगे, नाम क्या रख देंगे, जिधर से आएगा उधर अगर अटैच होगा तो रिटेंशन बोल देंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आर, जिधर आर मतलब ये आर एस मत सोचना, रिटेंशन, और जिधर बैक साइड से आएगा इन्वर्जन देगा। हम स्टीरियो मेजरमेंट के बारे में बाद में करेंगे, ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। तो राइट डाउन करो दोनों स्टेप, आपको बोर्ड में आएगा ये दोनों स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इससे आगे जो चीजें पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन निकालेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, लेकिन अगर बोर्ड में आता है कि SN1 मैकेनिज्म को आप बताओ तो ये दो स्टेप आपको 100% लिख के देना पड़ेगा उसको।
अब हम आगे से क्वेश्चन बनाते हैं कि इस क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये मैकेनिज्म पढ़ने सब एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा हमें, बस हमने बस जाना कि ये मैकेनिज्म दो स्टेप में लिखने आना चाहिए। तो स्टार्ट करें, चलो देखो अब क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन जो भी अराइज करेगा वो यहां से नहीं करेगा, क्वेश्चन यहां से होता है। तो हम एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि SN1 के इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ये बात हम ध्यान में रखें। सेकेंड पॉइंट, जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो हमने जाना है कि रीअरेंजमेंट हम कराते हैं, तो यहां पर हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब बात रहा कि रीअरेंजमेंट कब करवाना है, मालूम है ना, जब अगला स्टेप क्या है उसका स्टेबल होता है तब हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है। अगला स्टेप जब स्टेबल होता है, 2 degree से 3 degree बन रहा होता है या एरोमेट, क्योंकि दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीअरेंजमेंट कब करवाना है। तो इस पर भी हम क्वेश्चन देंगे, हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, दो चार हर पॉइंट पे क्वेश्चन लिखवाएंगे। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना, अगर पॉसिबल है तो, ये नहीं हर बार करवा देंगे, इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट, वी थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, अगर हम 3-4 रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सा रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा, किसमें SN1 फास्ट होगा, तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि SN1 हो रहा है इसमें, तो हम पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कर, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि SN1 होने वाला है। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा यहां से ये बनना, जो जल्दी बनेगा वही ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी यहां पर उसको कार्बोकेटाइन को क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा, तभी तो यहां से यहां जल्दी आएगा रिएक्शन करने, यानी स्टेबल, मुझे यहां से वहां जाएंगे तब मैं वहां रिएक्शन करूंगा, तो मैं वहां तब जाने के लिए सोचूंगा ना जब मैं वहां पर क्या फील करूंगा, स्टेबल फील करूंगा। चार जन यहां पर खड़े हैं और बोला गया कि वहां जाओगे तब तुम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, तो जो पहले वहां वो जाएगा जो अपने आप को क्या फील करेगा, स्टेबल फील करेगा, तभी तो जाएगा, तब वो वहां से उसका फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो अटैक करना स्टार्ट कर देगा। डैट मीन्स अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इस पे कम से कम MH1 में 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये GOC का पार्ट हो गया, ये GOC का पार्ट हो गया, यानी GOC छोड़ने वाला नहीं है तुम्हें, रीअरेंजमेंट करवाना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना, इट इज ए पार्ट ऑफ GOC। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पढ़े थे ना, बाद में OH- माइनस क्यों अटैक करेगा। देखो क्वेश्चन ये है कि सर कार्बोकेटाइन स्टेबल हो है तो OH- माइनस क्यों अटैक किया। एक चीज तो पहला ये जान लेना कि जब रिजोनेंस होता है कभी भी केमिस्ट्री के ऊपर कोई किसी के ऊपर भी चार्ज होगा ना तो अनस्टेबल होता है। जैसे सोडियम प्लस के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सोडियम प्लस क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। केमिस्ट्री में चार्ज जितना ज्यादा रहता है उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा रहता है, वो लेस स्टेबल होता है।
चार्ज नहीं चाहिए, न्यूट्रल एटम ज्यादा स्टेबल है। तुम बोलोगे सर सोडियम फिर स्टेबल है? सोडियम स्टेबल है अकॉर्डिंग टू चार्ज, बट इट इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। ये इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है इसलिए परेशान है। अब ये भी परेशान है, दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये चार्ज के वजह से परेशान है। जब तक ये NaCl के साथ मिलके बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब बात रहा कि यहां पर जब ये अनस्टेबल है तो हम स्टेबिलिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अब ध्यान से सुनना। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। बोला गया कि तुम जब तक ए प्लस नहीं बनोगे, बी प्लस नहीं बनोगे, सी प्लस नहीं बनोगे, डी प्लस नहीं बनोगे तब तक तुम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अब यहां पर हमें यह देखना है, अब मान लो ये तुम्हारा ऐसा फील्ड है जहां पर लड़ाई स्टार्ट हो रहा है, यहीं से लड़ाई स्टार्ट है, इसके बारे में नहीं सोचना है, आपको लड़ना यहीं पर है, यानी न्यूक्लियोफाइल यहां आने के बाद ही अटैक करेगा। अब यहां से यहां जल्दी सफर वो तय करेगा, एटलीस्ट ये सब अनस्टेबल है लेकिन उनमें स्टेबिलिटी चेक करना है। सारे कार्बोकेटान अनस्टेबल है, कोई ऐसा नहीं होता है कार्बोकेटान अनस्टेबल होता है, लेकिन उनमें स्टेबिलिटी चेक करना है कि इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है। इनमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो पहले आएगा और उस पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक मार देगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कार्बोकेटाइन का क्या चेक किया जाए, स्टेबिलिटी। ये नहीं कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कंपेयर में चेक किया जाता है क्योंकि हम यहाँ कंपेयर करवा रहे होते हैं। कार्बोकेटाइन कभी स्टेबल नहीं होता है, लेकिन चारों में से ज्यादा कौन स्टेबल है, हाँ कंपेयर करवा रहा है, चारों में से ज्यादा कौन स्टेबल है उस पर जल्दी। वो वही तो हमने एग्जाम्पल दिया कि चार लोग यहाँ खड़े हैं, वहां जाना है लड़ने, जो वहां स्टेबल फील करेगा वो लड़ेगा पहले। अब बोलोगे सर वो स्टेबल फील करा तो लड़ेगा क्यों, वो यहां से वहां जाने में उसको जल्दी कम टाइम लेगा वो, जब जाएगा तो लड़ जाएगा वहां से, समझ में आएगा। तो यहां से यहां जाने में स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, यानी यहां से यहां सफर कौन जल्दी तय करने वाला है। तो यहां से यहां वही सफर जल्दी तय करेगा जिसके ऊपर अब कार्बोकेटाइन सबके लिए अनस्टेबल है लेकिन उसको जाना जरूरी है, यानी कार्बोकेटाइन बनना जरूरी है, सब अनस्टेबल है लेकिन उनमें स्टेबल कौन है, रिलेटिव चीजें चेक किया करेंगे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक किया करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया? तो याद रखना जब जब तुम्हें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बने, ठीक है, यहां भी इंटरमीडिएट में बनेगा तो यही चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट, अगर हम आ जाए केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिकल में, अगर हम लिखे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, याद है के, अच्छा ये रिएक्शन दो स्टेप में हुआ तो दिस वन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिजिकल में पढ़े ना, जब दो स्टेप में रिएक्शन होता है, केमिकल हो गया ना, जब दो स्टेप में रिएक्शन होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर हम फिजिकल में बात करें तो दिस वन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप अपने आप में क्या होता है, एलिमेंट्री। ये क्या है, एलिमेंट्री है, ये भी अपने आप में एलिमेंट्री है, समझ में आ गया। अच्छा जब दो स्टेप में रिएक्शन होता है और वहां डिसाइड करके रखा गया कि एक स्लो है और एक फास्ट है, तो बताओ इस पूरे रिएक्शन का स्पीड कौन डिसाइड करेगा, स्लो वाला, यानी स्लो इज RDS, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही रेट को बताएगा। तो स्लो स्टेप इज RDS, यही इसकी स्पीड को बताएगा, और ये फास्ट। अब मुझे ये बताओ कि ये स्लो क्यों हमने बोल दिया, ये फास्ट क्यों बोल दिया। अब देखो यहां पे ये बॉन्ड का टूटना इतना आसान नहीं होता है, यानी सफर तय करना इतना आसान नहीं है। जो तुम बोले कि सर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, नहीं कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, यानी यहां से यहां आना उसके लिए बहुत डिफिकल्टी है, इसीलिए धीरे 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 उसको बॉन्ड को तोड़ेगा तब यहां पर आएगा। यानी कि तोड़ दिया आ गया, नहीं धीरे धीरे तोड़ेगा। अब यहां पर ये फास्ट होगा, क्यों फास्ट होगा, क्योंकि ये भी परेशान है और ये भी परेशान है, जितना भी चार्ज वाले हैं सब परेशान रहते हैं, इसको प्लस चाहिए माइनस चाहिए, इसको प्लस चाहिए, दोनों मिल जाएंगे तुरंत अटैक मार लेंगे क्योंकि दोनों परेशान है।
लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा स्टेबल चीज अनस्टेबल में आ रहा है। अरे मत बोलना कि सरकार वगैरह का स्टेबिलिटी होता है, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक क्या करते हैं। तो यहाँ कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, स्टेबल चीज अनस्टेबल में आ रहा है, इसलिए धीरे 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 जाता है, स्लो स्टेप होता है। दिस वन इज स्लो स्टेप, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये एलिमेंट्री है। अब बताओ अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और एलिमेंट्री है, दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, स्लो स्टेप इज आईडीएस, तो एलिमेंट्री के लिए हमारे पास क्या राइट्स होते हैं, इसके कोएफिशिएंट को हम ऑर्डर पावर में ले सकते हैं, यही हमारे पास राइट्स है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन के कोएफिशिएंट को हम पावर नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या होता है, पढ़े ना, ये वो क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो हम इसके कोएफिशिएंट को कभी भी पावर में लेने के हमारे पास राइट्स नहीं होते। लेकिन जब उसने बोल दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब हम इस रिएक्शन को पावर में लेने के हमारे पास राइट्स हो जाता है। तो ये हमने मान लिया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि दो स्टेप में हो रहा है और दो स्टेप में ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए हमारे पास ये राइट्स आ गया कि इसके कोएफिशिएंट को हम पावर में ले सकते हैं। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको केवल अप्रोच कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं माना जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये केवल अप्रोच कर रहा है, इसका कोई अभी तक रोल नहीं है, रोल यहाँ है इसका। तो इस न्यूक्लियोफाइल का यहां पर इस रिएक्शन में अभी तक कोई रोल नहीं माना जाता, केवल ये अप्रोच करने की कोशिश कर, जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर हम जो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो केवल सबट्रेट लिखते हैं हम यहां पर, और ऑर्डर में वन लिखते हैं, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट वन होता है। अब यहां पर कभी भी भूल के तुम रिएजेंट मत लिखना, रिएजेंट मत लिखना, कभी भूल के रिएजेंट मत लिखना, क्योंकि रिएजेंट का टाइप नहीं। अब यहां से क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, बोलेगा कि सबट्रेट को और रिएजेंट को दोनों को डबल कर दिया गया, और आया भी क्वेश्चन है रिएजेंट और सबट्रेट दोनों को डबल कर दिया, इसी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, तो बताओ स्पीड कितना टाइम्स बढ़ेगा, कितना, टू टाइम। इसको बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबट्रेट, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। इस बात को लिख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन सबट्रेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये टू टाइम्स बढ़ाओगे तो टू टाइम्स, क्योंकि ऑर्डर वन है ना, इसका ऑर्डर वन है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन सबट्रेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको टू टाइम्स बढ़ाओगे इसको। रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल, यानी तुम कितना भी रिएजेंट को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, फाइव टाइम्स कर लो, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पीड को बढ़ाना है तो सबट्रेट को, कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। टू टाइम्स बढ़ाओगे स्पीड टू टाइम्स बढ़ेगा, थ्री टाइम्स बढ़ाओगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कितना भी बढ़ा लो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको वीक होना और स्ट्रांग होना कोई बात का इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां न्यूक्लियोफाइल वीक भी रहे तो चलता है, और माइल्ड भी रहता तो चलता है, और स्ट्रांग भी रहे तो चलता है। लेकिन SN1 में बोला जाता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है या तो माइल्ड होगा या क्या होगा, वीक होगा। अब समझ सकते हो कि माइल्ड और वीक क्यों लिया गया, कि इसका रोल ही नहीं है ना, वो तो धीरे धीरे अप्रोच कर रहा, वीक भी अप्रोच कर सकता है। तो SN2 में स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, लेकिन SN1 में माइल्ड या वीक, स्ट्रॉन्ग भी रहता तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस ऑर्डर के वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है SN1, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हट गया और सब्स्टिट्यूट हो गया, इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है वन, यानी वन क्या लिखा गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वो तो नॉर्मल सा बात है,
उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस बता दिया कि नाम क्यों पड़ा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो sp2 बनता है जो कि प्लेनर होता है, और यहां प्लेनर होने की वजह से इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनाता है। सेवन पॉइंट, एक बार तो कई बार हमने डिस्कस भी कर दिया, इन्वर्जन और रिटेंशन बनाता। अगर ये वाला सबट्रेट पहले से तीनों ग्रुप अलग है और ये अटैक किया और काइरल सेंटर जनरेट किया, यहाँ प्रोडक्ट में काइरल है, हालांकि यहाँ काइरल नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर काइरल तैयार होगा तो एक बार अटैक ऊपर से होगा और एक बार अटैक नीचे से, तो 50% आर बनेगा और 50% एस बनेगा। यानी सॉल्यूशन में जो तुम इन्वर्जन और रिटेंशन बार बार लिख रहे हो तो आधा आधा बनेगा ना, हम ये मानेंगे ना कि मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है तो 50 मॉलिक्यूल्स ऊपर से अटैक करेगा और 50 मॉलिक्यूल्स नीचे से अटैक करेगा, यही हम मान सकते हैं ना। यानी प्रोबेबिलिटी हमारा यही हो सकता है कि 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन हो, यानी 50% आर होगा और 50% एस होगा, और दोनों एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, तो बताओ आधा आधा दोनों है तो रेशमिक बनेगा या मिजो बनेगा। रेशमिक, आर और एस दोनों बन रहे, यानी इसमें रेशमराइजेशन का फॉर्मेशन होता है। यहां सेवेंथ पॉइंट में लिखना, इफ कार्बन कंटेन अनसिमेट्रिक ग्रुप, अनसिमेट्रिक मतलब सब अलग अलग, इफ कार्बन कंटेन अनसिमेट्रिक ग्रुप, इफ कार्बन कंटेन अनसिमेट्रिक ग्रुप, इफ कार्बन कंटेन अनसिमेट्रिक ग्रुप, देन 50% आर एंड 50% एस विल फॉर्म। हालांकि इसमें एक चीज करेक्शन करवाएंगे, वो बाद में अभी कर लो, अभी लिख लो, 50% आर एंड 50% एस विल फॉर्म, दैट मींस रेशमिक मिक्सचर 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 विल फॉर्म। ये मैं तुम्हें केवल लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन इसी पॉइंट पे पूछे जाए। अच्छा ये मेरे को बताओ ये कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, दो स्टेप। तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होगे, जितना स्टेप में रिएक्शन होता है तुम जब ग्राफ बनाते हो उतना उसका पीक बनता है। यानी अगर हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाएं और यहाँ पर एनर्जी मैं लिखूं और यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखूं तो कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ है, कितना स्टेप में, दो स्टेप में। तो हमें अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक यहां पर पिक होगा और एक पिक यहां जनरेट होगा, और रिएक्शन क्या है, एक जो होगा एंडो होगा, लास्ट में रिएक्शन एक जो बनेगा। तो एक जो के लिए ग्राफ यहां पर आना चाहिए नीचे। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाए तो पहला तुम ये MH1 में क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, तो ये ग्राफ में नीचे की तरफ जाना चाहिए, पहला पॉइंट ध्यान देना। दूसरा, ये जो है दो पिक बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो स्टेप में रिएक्शन है तो आपको दो पिक तैयार करना पड़ेगा। जितना स्टेप में होगा, SN1 एक स्टेप में होता है, एक ही पिक बनाते हैं, यहां दो पिक बनाएंगे। अब यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दिस वन इज ए ट्रांजिशन स्टेप, यह कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के बाद जब रिएक्शन होता है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है, इसीलिए ये वाला पिक इस पिक से डाउन होगा। यानी सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहां देखना है कि ये पीक डाउन है कि नहीं है, ये पीक बराबर नहीं होना चाहिए, ये डाउन होना चाहिए। यहाँ थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आती है, रिएक्शन करने जा रहा है ना, तो जो बीच में कार्बोकेटाइन बन के अपने आप को स्टेबल कर लिया था तो यहां पर वो फिर जब अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको दो ही चीजें ग्राफ में ध्यान देना है, दो पीक होना चाहिए, पीक दो पिक होना चाहिए, और ये एक्सोथर्मिक है तो नीचे की तरफ होना चाहिए, यहां पर स्टेबिलिटी आएगी तो ये डाउन की तरफ जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, और यहां रिएक्टेंट है और यहां प्रोडक्ट है। समझ में आ गया,
चलो तो अब इसके ऊपर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाएगा। तो सबके पास निकालो, एमएच वहां निकालो, कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, इतना के ऊपर अभी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल अब बात कर रहा हूं, पहले यहां से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बहुत तरीके से चेक किया जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, रिजोनेंस, हाइपर। अच्छा एक मेरे को बताओ कि चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर वन। अब मान लो कार्बोकेटाइन ऐसे बन गया, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे बन गया ए कार्बोकेटाइन, किसी तरह से ऐसे बन गया बी कार्बोकेटाइन, ऐसे बन गया कार्बोकेटाइन, ऐसे बन गया और कार्बोकेटाइन ऐसे बन गया। मान लो कहीं तुम बनाए इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन ऐसे बना, मुझे इसका सीक्वेंस बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर का, क्योंकि जब तुम बनाओगे सेकेंड वाला पॉइंट अप्रोच करोगे। अब मैं तुमसे इसमें क्वेश्चन में पूछ दूं कि इसमें SN1 फास्ट होगा, तो उसका आंसर तुम क्या करोगे, इसमें स्टेबिलिटी ढूंढोगे। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन लेस, सीक्वेंस बताना है। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, सबसे ज्यादा डी स्टेबल है, डी सबसे हाईली अनस्टेबल है, दुनिया का सबसे खराब चीज है वो। रिंग पे प्लस लगना बहुत ही खराब चीज होता है, वो रिजोनेंस करवा नहीं रहा है। देखो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये नहीं स्टेबल, महाअनस्टेबल है। दुनिया पे अगर डबल बॉन्ड पे प्लस लग गया, सोच लो सबसे अनस्टेबल। यहां डबल बॉन्ड पे प्लस लगना मतलब, डबल बॉन्ड पे प्लस लगना मतलब, तो मैं तुम लोग कुछ कुछ क्लू बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। याद रखना कि डबल बॉन्ड पे प्लस लगता है दुनिया का महा अनस्टेबल हो जाता है। तो मैं तो इसी जानता हूं, बस अब ये बताओ इनमें ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, बी स्टेबल है ना, क्योंकि यहां रिजोनेंस है। और यहां क्या है, यहां क्या है, यहां शिफ्टिंग नहीं करेंगे हम, यहां कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग नहीं हम बोल रहे हैं, यहां पर ये किसके द्वारा स्टेबलाइज कर रहा है, शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि यहां पर स्टेबिलिटी किसके द्वारा आ रही है। देखो हमारे पास आंसर आ भी गया, हाइपर के थ्रू, नहीं इंडक्टिव, यही इस बार नीट का क्वेश्चन था। जब यहां हाइड्रोजन है ना, इस बार क्वेश्चन नीट में ही पूछा था कि CH3, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन किसके द्वारा स्टेबलाइज है। तो इंडक्टिव बोलोगे तो गलत हो जाएगा, हाइपर। हालांकि इंडक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन जहां हाइपर लग रहा है वहां इंडक्टिव क्यों बोलेंगे, इंडक्टिव बोलना गलत नहीं है, लेकिन हाइपर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। तो यहां ये हाइपर के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है और यहां किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेंस के द्वारा। यहां क्या है, डबल बॉन्ड पे प्लस आना महाअनस्टेबल है, और एक तो रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड है, ये भी मोस्ट अनस्टेबल है। समझ में आया क्या, तो सबसे स्टेबल कौन है, बी, उसके बाद ए, उसके बाद और सबसे लास्ट में ये क्या है। अगर मैं इसी में पूछूं कि SN1 कौन रिएक्शन फास्ट होगा, तो क्या आंसर होगा, जो आंसर ये होगा वो आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर तुम लोग हिमांशु पांडे एस का, डीके जयसवाल का क्वेश्चन नंबर 33 अटेम्प्ट करो सारे, अगर बुक है तो न्यू वाला बुक है। तो मैं कुछ कुछ क्लू बता दे रहा हूं कि कैसे स्टेबिलिटी चेक करो। अब मेरे को बताओ, क्योंकि हर पॉइंट पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कल SN2 अभी नहीं बताऊंगा। इसमें जो है ना, ये जो है ये मत सोचना कि रिंग, एक एरोमेटिसिटी इसका डिस्टर्ब होने लगता है, इसकी वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाता है। यहां एरोमेटिसिटी नहीं ऐसा कुछ होता, समझ में आ गया।
चलो मैं क्वेश्चन राइट डन कर दे रहा हूं, लिखो। क्वेश्चन में बोला है कि किस रिएक्शन में CH3, CH2, CHBr, CH2C डबल बॉन्ड CHBr, सी ऑप्शन है C6H5 CH2Br और डी ऑप्शन है C6H5Br। बोला है लिस्ट SN1 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का सबसे स्लो किस में होगा, सबसे स्लो किस में होगा। अब इसका कार्बोकेटाइन बनाओ, इसका कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये बनेगा। इसका कार्बोकेटाइन ये बनेगा। ये बेंजीन रिंग है ना। इस पे क्या लगा हुआ है, कार्बन। इस पे क्या लगा हुआ है, प्लस। दिस वन इज विल बी एस्टेब्लाइज बाई रेजोनेंस, दिस वन विल एस्टेब्लाइज बाई हाइपर कंजुगेशन और दिस वन इज अनस्टेबल। और यहां पर क्या लगा हुआ है, इस पे बी आर लगा हुआ था। इसीलिए कराए थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराने के पीछे ये बताना था अनस्टेबिलिटी, तुम लोगों को ये देखने नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को करोगे तो इसको पता करना पड़ेगा ना। SN1 जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, SN1 का जो मैकेनिज्म है। अब ये हमें बोल दिया गया कि स्टेबिलिटी चेक करना, स्टेबिलिटी चेक करना क्या GOC का पार्ट है, तो ये GOC में चेक कर लिया हमने, बराबर है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो तुम्हारे साथ ऐसा कंडीशन आएगा जब तुम बनाओगे इसमें, तो ऐसा कंडीशन आएगा, डबल सिंगल और यहां आयोडीन लगा हुआ है और यहां आयोडीन लगा। बस मुझे ये बता दो कि ए और बी में SN1 किस में फास्ट जाएगा, किस में जाएगा। वो आंसर आ भी गया, बेलगम स्टूडेंट CM3 सबने ये बोला है। बी कहां से होगा, कहां से पढ़ ले तुम लोग। अब इसमें कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो तुम्हें सामने आंसर आया, इसमें हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया और यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया। अब मुझे बताओ कौन स्टेबल है। अब इस चीज को आइडेंटिफाई रेजोनेंस के द्वारा नहीं होगा, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बेस पे होगा। तो ये बताओ एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। मालूम है ना एरोमेटिक कैसे निकालते, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक। तो रिएक्शन कौन फास्ट देगा, जो स्टेबल होगा फास्ट देगा। इक्वेशन उसमें जी उसमें है, देखो है कि नहीं है। चलो और बताते, समझ में आ गया ना, एरोमेटिक पहचानने आता है ना इसमें। तो जो एरोमेटिक होगा वो रिएक्शन फास्ट देगा, लिख लेना, इसमें SN1 फास्ट देगा, SN1 फास्ट देगा। अब SN2 के बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। अब मान लो ऐसा आ गया कंडीशन, डबल सिंगल और आयोडीन आ गया। चलो ब्रोमीन लगा देते हैं, ए है, बी में ऐसा आ गया, यहां पर बी में ब्रोमीन आ गया। अब सी में ऐसा आ गया और क्वेश्चन में बोला है कि SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, किसका फास्ट होगा किसका स्लो, सीक्वेंस बताना है। यहां पर सीक्वेंस बताना है किसका स्पीड ज्यादा होगा,
किसका होगा? ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना देंगे। ये क्या बन गया? एरोमेटिक। यहां कार्बोकैटायन बना देंगे, यहां कार्बोकैटायन बना देंगे। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ए। अच्छा, बी और सी में कंफ्यूजन होगा कि बी को सेलेक्ट करें कि सी को करें। देखो यहां रिजोनेंस हो रहा है और यहां रिजोनेंस नहीं है, तो बी सेलेक्ट करोगे कि सी करोगे? बी करेंगे कि सी करेंगे? हाँ, ये एंटी एरोमेटिक है। कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता है, तो इसीलिए सबसे वो खराब हो जाता है। तो सबसे खराब वाला याद रखना, डबल पे प्लस आ जाए या एंटी बन जाए, एंटी कोई नहीं बनना चाहता है। इसीलिए ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा। नहीं तो तुम कोई सोचेगा, सर यहाँ तो रिजोनेंस हो रहा है, तो सोचे रिजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो रिजोनेंस हो रहा है तो इससे ज्यादा स्टेबल है। नहीं, एंटी बन गया ना, रिंग एंटी नहीं बनना चाहता, वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो याद रखना, हाईली अनस्टेबल कौन कौन है? डबल पे प्लस आ जाना, रिंग पर प्लस आ जाना, ये एरोमेटिक रिंग पे प्लस आ जाना, एंटी एरोमेटिक बनना, ये सब हाईली अनस्टेबल को जाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड कर रहे हैं, यानी हम पॉइंट नंबर टू में भी डिसाइड कर रहे हैं। कुल मिला के ये है, अगर रिंग एरोमेटिक बनता है, रिंग अगर एरोमेटिक बनता है तो वो SN1 को क्या जाएगा? फंस जाएगा, बराबर है क्या? अगर एंटी बनेगा तो कितना जाएगा? लिस्ट जाएगा, लिस्ट जाएगा। समझ में आ गया ना? तो कल इसके ऊपर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी बस बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? कल क्वेश्चन करवाएंगे और फिर SN2 पढ़ाएंगे। SN2 आसान है, मतलब बस ये भी आसान है, लेकिन SN2 ओके।